पारा में कोरोना से लड़ाई में 7 साल की एक बच्ची ने भी अपना योगदान दिया। ये बच्ची अपनी गुल्लक लेकर इलाके के विधायक के साथ कलेक्टर के पास पहुंची और उनकी मदद से अपनी गुल्लक के 8,300 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराए। ये बच्ची जिसने कोरोना से पीड़ित लोगों और लॉकडाउन में जरूरतमंद की मदद के लिए कदम बढ़ाया है। बिहार के आरा में लॉकडाउन के बीच सड़कों पर निकल रहे लोगों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। बेवजह बाइक पर घूम रहे लोगों को पुलिस ने लाठी से पिटाई का डर भी दिखाया और बाइक पर दो लोगों को ना बैठाने की भी हिदायत दी गई। पुलिस ने कई लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई और दोबारा गलती ना करने की चेतावनी भी दी। इस बीच कई लोग पुलिस को देखकर बचते हुए दिखाई दिए। एशिया की सबसे बड़ी बस्ती कहे जाने वाली धारावी में कोरोना के 20 से ज्यादा मरीज और 3 लोगों की मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ने सख्ती बढ़ा दी है। धारावी को मुंबई का सबसे खतरनाक हॉटस्पॉट माना जा रहा है, इसीलिए धारावी के कई इलाकों को कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन में बांटा गया है। राज्य सरकार धारावी में डोर टू डोर चेकअप के लिए 150 डॉक्टरों और नर्सों की टीम बनाने में जुटी है। वहीं पुलिस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी कर रही है। पुलिस ने क्वारंटीन किए गए इलाकों के साथ तंग गलियों में भी ड्रोन तैनात किए हैं। जैसे ही किसी जगह पर लोग घर से बाहर दिखते हैं, वैसे ही ड्रोन में लगे स्पीकर के जरिए उनको चेतावनी दी जाती है। इसके अलावा मुंबई के हॉटस्पॉट वाले इलाकों को निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। आप पर हमारी पूरी नजर है, कृपया आप अपने घरों में रहे। मैं यहाँ हर गली हर मोहल्ला देख पा रहा हूँ, आप 3-4 लोग करके दरवाजे में भी ना बैठे। कृपया आप अपने घरों में रहे। जिन लोगों को मैं देख रहा हूँ जिनका वीडियो चित्रीकरण हो रहा है, कृपया वो ये जान ले कि आप पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों ने अस्पताल पर उन्हें भूखा रहने पर मजबूर करने का आरोप लगाया। मरीजों और उनके परिजनों के मुताबिक उन्हें अस्पताल की तरफ से खाना नहीं दिया गया और लॉकडाउन की वजह से बाहर निकलने पर भी रोक है। ऐसे में मरीज ही नहीं उनके परिजनों को भी भूखा रहना पड़ा। वहीं इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से हालचाल जाना। वहीं अस्पताल ने मरीजों को खाना देने का दावा किया, लेकिन उनके परिजनों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी नगर पालिका पर छोड़ दी। यहाँ कल भोजन नहीं पहुंचा था, एक घोर लापरवाही है। जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी, जहाँ हमारे जिलाधिकारी महोदय सोच रहे हैं कि सबको भोजन मिल जाए, लेकिन ये निचले स्तर के उनके जो अधिकारी हैं लग रहा है काफ़ी बिगड़े हुए हैं इस कोरोना वायरस में, और सरकार की छवि को और जिला प्रशासन की छवि को बदनाम करना चाह रहे हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि ऐसे जो बिगड़े कर्मचारी हैं जो मानवता का हनन कर रहे हैं, लोगों को अस्पताल में दिन भर भोजन से उपवास रखे हैं, ऐसे कर्मचारी जो नगर पालिका के योग्य शायद यहाँ जिम्मेदारी है और उपजिलाधिकारी की जिम्मेदारी है, उन लोगों के विरुद्ध जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें, उन्हें दंडित करें। बिहार के सिवान में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर यूपी के देवरिया में हड़कंप मच गया। सिवान से लगने वाली सीमाओं को सील कर दिया गया और बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती कर दी गई। बड़े अफसरों के साथ ही एक मेडिकल टीम भी यहां भेज दी गई है। सीमा से गुजरने वाली हर गाड़ी की जांच हो रही है और उसमें सवार लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी।